सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत का मुरथल बदमाशों का हब बनता जा रहा है। आए दिन बदमाश ढाबे पर खाना खाने आ रहे लोगों को अपना शिकार बनाकर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले दो दोस्त मुरथल के सुखदेव ढाबे पर खाना खाने आए। जब वो मोहन ढाबे के पास पहुंचे तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर उनसे मोबाइल फोन छीन लिए और फोन से करीब 5,000 रुपए भी ट्रांसफर किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में दिखाई दे रहे आरोपी मोहित और सूरज सोनीपत के गांव कुमासपुर और मुरथल के रहने वाले हैं, जो हाईवे पर लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त बस से सुखदेव ढाबे पर खाना खाने आए थे। करीब रात 2 बजे वो मुरथल पहुंचे, जहां से वो पैदल ही सुखदेव ढाबे पर जा रहे थे। जब वो मोहन ढाबे के पास पहुंचे तो इस दौरान एक मोटरसाइकिल उनके पास रुकी, जिस पर दो युवक सवार थे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उनके मोबाइल फोन छीनकर उनसे फोन से ऑनलाइन करीब 5,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। आरोपी उन्हें सड़क किनारे सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत मुरथल थाना पुलिस को दी। लड़का जो दिल्ली रहने वाला है वो अपना दोस्त के साथ सुखदेव ढाबे पे रात के टाइम डिनर करने के लिए आए थे। जैसे बस से नीचे उतर के वो जाने लगे तो रास्ते में उनको मोहन ढाबा के पास दो लड़के मोटरसाइकिल पर मिले, जिन्होंने मुंह बांधे हुए थे और उनके साथ मार पिटाई करके उनके दो मोबाइल फोन और करीब 2700 रुपये एक और 2000 रुपये एक दोनों से छीन लिए थे, जिनको हमने कल FIR लॉन्च कर और सूचना के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे दो मोबाइल और पैसे की रिकवरी की जा चुकी है। सर आरोपी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? एक मोहित नाम का अपना कुमासपुर का और सूरज नाम का मुरथल का रहने वाला है और दिन के पहले भी इनके खिलाफ एक दो मुकदमा दर्ज है। सर कौन सा किस तरह का मामला दर्ज है इनके खिलाफ? पहले जो पूछताछ पे बताया कि इनके खिलाफ एक रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये इस पर जवाब दिया।